समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल गाइज। और आज है संडे और एंजॉय का दिन, तो संडे के दिन छुट्टी होती है, स्कूलें सब बंद होती है और सब लोग घर पे होते हैं, तो आज का दिन मतलब बहुत एंजॉय वाला दिन और इतना मज़ा आएगा गाइज। आज का दिन मतलब फुल एंजॉय करेंगे और पूरा ब्लॉग में बने रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर ले और बाद में बेल आइकन ऑन कर ले और हमारे चैनल में बने रहे। और आपको हम लोग नए नए यूट्यूब चैनल पर नए नए ब्लॉग देते रहेंगे गाइस। और कैसे हो आप सब, ठीक ठाक होंगे मैं आशा करता हूँ। और इस इंट्रो के साथ हम चालू करते हैं हमारे ब्लॉग को और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और गाइस चलो हमारे साथ बने रहो। क्या हो गया पंकज, आज तेरे को इस चश्मे या मुझे से एक कुछ चश्मा है क्या है, मेरे को तो कुछ समझ हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? रवि साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ लड़ा? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबू राव का स्टाइल है। पता नहीं यार, आज मम्मी ने इस चश्मे की वजह से इतनी डांट सुना दी। कितनी? 50 रुपए का चश्मा है, इतनी डांट सुन ली मैंने इसके। 50 रुपए का चश्मा लेके आई है? हाँ। किसने तेरे को इसके बारे में लूट लिया? ये नहीं समझ में आ रहा, किसने लूटा तेरे को? वो सामने की दुकान, उधर से तू लेने गया था ये? हाँ। चुन्नी मिल गई थी चश्मे के ठिके ऊपर, इसलिए मैंने कोई एक गाड़ी ले ली होती वही अच्छा था, इसलिए अब जब चीज खा लिया होता तो ही अच्छा था 5 रुपए का। तो 50 रुपए उसको क्यों दिए रे तूने यार? ये तू तेरे को मैं सस्ते में दिला दे रहा। मैंने सोचा था कि एक घड़ियाल ले लूंगा 50 की, फिर तो ये लेके आ गया। तू है ही ऐसा, मुझे पता है तेरे को हर दुकान वाले उल्लू बना के जाते हैं हर बार, और तेरे वजह से डांट तेरे को ही पड़ती है। वो मम्मी इतनी डांटती तेरे को, मुझे पता है कितनी डांटती तुझे, हर बार तेरे को डांट सुनने मिलती है हर बार घर में। तू हर बार ऐसा कुछ करके आता है। मैं तो मेरा काम कर रहा था बढ़िया से लैपटॉप में, और तू आ गया बीच में, बोलता है मेरे को डांट सुना रही मम्मी कब से। कितना डांटा? बहुत। मारा नहीं ना? मारा? झापड़ मारी? तो यार तू तो फिर क्या कर सकते हैं इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। पचास रुपए का चश्मा लेके आया ये, 50 रुपए का पूरा, और सुबह से डांट खा रहा है भाई, एक झापड़ भी खा के आ चुका है अभी। ऐसे काम ही क्यों करते हो, क्यों लेके आते हो ऐसे ऐसे चश्मे तुम लोग? 50 रुपए की क्या अनामत है क्या? लग तो मस्त रहा यार तू, कुछ भी कहे भले 50 रुपए लगा दिए तूने, बढ़िया लग रहा है तू, ये चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है। तू एक काम कर, इसको पहन ले, देखी जाएगी 50 रुपए में कोई बात नहीं, अभी वापस तो लेगा नहीं, क्यों खाली खोली डांट सुन रहा है? कोई बात नहीं, सुन ली तो सुन ली, देखी जाएगी, इंजॉय कर। और चला ये लैपटॉप थोड़ी देर, तू भी चला ले, मैं मेरा एक काम निपटा रहा था तो तू आ गया बीच में। ये देखो अभी देख इसको फाइल में, तेरे को सिखा देता हूँ, तेरे को इसमें क्या सीखना है ये बता दे। मम्मी ने बोला था इसको भी थोड़ा थोड़ा लैपटॉप सिखा दे, सीखना तेरे को नहीं सीखना ये बता दे। लैपटॉप संडे इसलिए मैं, मम्मी ने बोला है कि इसको भी थोड़ा बहुत सिखाया कर अभी लैपटॉप में। ये पूरे दिन यूट्यूब पर वीडियो देखता है इसके अंदर, पूरे दिन खाली यूट्यूब पर वीडियो देखता है क्या इसके अंदर? कितने वीडियो देखता है ऐसे दिन में? 10-50। क्या तू वो छोटे छोटे कार्टून मत देखा कर, उसमें भी शिक्षा मिलती, देखा कर, मैं नहीं बोल रहा पर तू पूरे दिन मत देखा कर, एक दो वीडियो देखा कर दिन का, तो तेरे को मजा आए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मैं समझ रहा हूँ बात को, कोई बात नहीं अभी मैं तेरे को सिखा देता हूँ। अभी तेरे को क्या सीखना है इसके अंदर ये बता, थोड़ा बहुत सीख ले कुछ भी, मतलब तू तेरे काम की चीज़ें ना इसके अंदर क्या है तो यूट्यूब से सीखा कर कुछ बढ़िया बढ़िया। ये देखो कितना मस्त लग रहा है तू, तेरा चश्मा कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्लियरिटी कितनी मस्त आ रही है इसके अंदर, समझता नहीं बात को यार, तू डांट खा के आ जाता है पूरे दिन। कोई बात नहीं सुधर जाएगा तू भी। और पढ़ाई कैसे चलती है ये तो बता दे, आज संडे है मैं तेरे को सब चीज़ें पूछ लेता हूँ। तू पढ़ाई कर, एग्जाम पूरी हो गई? एग्जाम पूरी हो गई तेरी? हाँ। पढ़ाई सही? और ड्राइंग भी नहीं आया। तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा ये तो बता, पढ़ाई करने पढ़ाई पे ध्यान दे, इसलिए मैं तेरे को आज पूरी डिटेल जाना जा रहा हूँ। ये देख पूरे दिन यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब
YouTube भी देखो मजा आ रहा है मेरे को, स्पेशल लग रहा है देखो, YouTube पे इंटरेस्ट आ गया लगता है। हेलो गाइस, सुबह का नाश्ता अभी मिला है समथिंग 10 बजे, और ये चाय रही देख लो, ये चाय और ये पूड़ी है, रोटी जैसी पूड़ी बनाई है, पूड़ी है। और आज का ब्लॉग में आपको कंटिन्यू नाश्ता करने के बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग को। चलो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, आज मैं आपको मिलते हैं। सो गाइस गाइस, हम ट्यूशन से आने के बाद अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ गाइस, और समथिंग बज चुके हैं 5, और आज थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टूडियो जैसा कुछ बनाया है तो वो आपको दिखा दें कि कैसा लग रहा है हमारा स्टूडियो। वापस बनाया है, पहले भी बना चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई किए, तो हमारे स्टूडियो आपको दिखाता हूँ, और बने रहे हमारे ब्लॉग में। चलो गाइस दिखाता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से। यहाँ पे लगा दिए 2 मेडल, एक ही है एक ही साइड, ठीक है गाइस। और आगे का मैं और दिखाता हूँ। सो गाइस आप हमारे ब्लॉग में बने रहें, चलो गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और आगे और बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये है रिंग लाइट हमारी, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रिंग लाइट है, और इससे हम ब्लॉग और रील शूट करेंगे। और नीचे है ट्राईपॉड, वो भी देख लो गाइस, ये रहा आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। लिए हरा कलर की एक लाइट लगाई है, जो लाइट इस साइड बड़ी है बहुत चमक रही है, आप देख सकते हो। और ये लाइट है, ये पूरे मतलब अंधेरा होने के बाद मतलब पूरे तो हरा हरा दिखेगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैं कितना हरा लग रहा हूँ इस लाइट के कारण। और बाद में एक ये लाइट है, इसके कारण हम लोग वाइट कलर के अलग अलग कलर के दिख सकते हैं इसके अंदर। क्लियरिटी कितनी खतरनाक है गाइस, लाइटों की वजह से क्लियरिटी बहुत आती है। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और आगे इन्जॉय करते हुए मिलते हैं आपको। ये हमारा स्टूडियो गाइस, अभी हम इसके अंदर स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से आगे नए डेवलप कर रहे हैं। और स्टूडियो के अंदर ये टेबल भी देख सकते हो सबसे बेस्ट ये। चलो गाइस स्टूडियो में एंजॉय करते हैं और आप ब्लॉग शूट करेंगे अभी हम।